तरीके के जो जगह जगह ये टारगेट बनाकर लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, निहत्ता ये लोग जो अपने महापुरुषों के दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर भी इस तरीके को उनको घेरा जाता है और पथराव किया जाता है, गाड़ियों में आग लगाई जाती है, क्या मकसद है? देखिए ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है जी। आज जो बहुजन समाज है या जो दबे कुचले लोग हैं जो अब अपने अधिकारों के विषय में जागरूक होने लगे हैं, जो अपने महापुरुषों का सम्मान बनाए रखने और अपना सम्मान कायम रखने के लिए जो कहीं भी जाते हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, तो सब उसको दबाने की पूरी साजिश है। वो नहीं चाहते कि भी किसी भी हालत में ये दबा कुचला वर्ग आगे आए। और केवल एक ये कारण नहीं है, और भी बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से ये सारा सब कुछ चल रहा है। सोची समझी रणनीति है या आरएसएस की, संघ परिवार की, बीजेपी की, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। इसी तरह से अगर आप देखें हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इनको दबाने की कोशिश की जा रही है, इनके अधिकारों को हनन किया जा रहा है। तो ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये सारा सब कुछ हो रहा है। सर, सभी लोग कहते हैं सभी समाजों को एक होना चाहिए, लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय लीडर हैं ये आपस में एक नहीं है, तो समाज को एक कैसे करेंगे? नहीं, अगर वो नहीं होते हैं तो समाज उन्हें नकार देगा, होना तो पड़ेगा, क्योंकि वो समाज का अंग है। आज अगर वो इस राजनीति में या कहीं भी उन्हें सम्मान मिल रहा है, वो आगे बढ़ पाए हैं, तो समाज की बदौलत बन पाए हैं। अगर वो समाज का अंग नहीं होते तो कोई भी पार्टी या कहीं किसी भी तरह से वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्हें आना पड़ेगा, समाज के साथ आना पड़ेगा, समाज की आवाज उठानी पड़ेगी, उसके हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो समाज उन्हें अपने आप इस मेन स्ट्रीम से बाहर कर देगा। लेकिन सर, 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 435 के करीब विधायक हैं और भी राष्ट्रीय लीडर हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी अपनी जवान से भीमा कोरे गांव की एक शब्द नहीं बोला कि बहुत गलत हुआ। तो इससे दो चीज सिद्ध होती है ना, कि जो 131-132 पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर हैं और इसके अलावा राज्यसभा के मेंबर हैं, वो सारे के सारे बंधुआ मजदूर हैं उन पार्टियों के, जिन पार्टियों में वो हैं। अगर वो समाज की बात कहते, जिसके लिए वो आए हैं, जो जिम्मेदारी है उनकी, तो वो उसे उठाते, लेकिन नहीं उठा रहे, तो समाज उन्हें उनका जवाब देगा। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव होंगे या आने वाली जो राजनीति होगी, समाज उन्हें उनका बदला बताएगा, बताएगा उन्हें कि आपने क्यों नहीं किया और उसका परिणाम क्या है। तो सर, आज का जो ये प्रोग्राम है, ये ओंकार रैली, तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा? देखिए, निष्कर्ष तो भविष्य तय करेगा, लेकिन हमारा हक है, प्रजातांत्रिक हमारा हक है, संवैधानिक हक है, अपने हक के लिए आवाज उठाना, हम वो उठा रहे हैं। जैसे चंद्रशेखर पर आंसू का लगाई हुई है, क्या अपराध है उसका? ये सारा सारा राजनीतिक षड्यंत्र है कि एक व्यक्ति अगर समाज में उभर रहा है, उसकी दबाज को दबाने के लिए आप उस पर आंसू का लगा दो, क्या अपराध उसने? क्या देशद्रोह का कौन सा काम किया है उसने? किस तरह के काम, कोई समाज को तोड़ा है उसने? लेकिन रासू का लगाई। इसी तरह से आप देखें अखिल गोगोई, जो किसानों के असम में बहुत बड़े नेता हैं, उन पर भी रासू का लगाई। ये सारा का सारा राजनीति से प्रेरित है, राजनीतिक षड्यंत्र है, और उसके विरोध में हैं हम लोग। और केवल यही नहीं, जो कोरेगांव में घटना हुई है, मैं रात ही देख रहा था एनडीटीवी पे कि उसमें से जो यलगार परिषद है उस पर FIR हुई है और तकरीबन 35-40 लोगों को अरेस्ट कर लिया, उनका पता नहीं है कि वो कहां पर हैं। तो ये आवाज को दबाने की कोशिश है। जिन लोगों ने वहां पर ये अन्याय किया, जिन लोगों ने वहां पर हिंसा की, उनमें से किसी को कोई अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं किया। तो ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, सोची समझी रणनीति के तहत हो रही है, और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, पुरजोर आवाज उठाएंगे, और 2019 में इनको इनका बताएंगे कि अगर आप समाज की बात नहीं करोगे, उसे उसका हक नहीं दोगे, तो आपको उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। तो 2019 के लिए तैयार रहें।